इससे ब्लॉगर शहरी एंड से बहता सुर को मित्र से बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग। एंड आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह तैयार होकर बैठा है शहरी, एंड अभी आपका टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। सो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, वो तो मैं डेली सुबह जल्दी उठ जाता हूँ मैं, एंड मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज सब करता हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा व्लॉग बना नहीं पाया मॉर्निंग में। सो वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन मैं मॉर्निंग का मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज सब दिखाऊंगा। सो बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ लास्ट नगर ऑफिस, जो आपने मेरी वीडियो में बहुत बार देखा भी है लास्ट नगर ऑफिस। वहाँ पे सबसे पहला काम तो टीम की परचेसिंग करनी है, एंड देन दूसरा काम पे मैं दोस्त भी आ रहा है जिसे आप जानते हो, मैं आपको दिखाऊंगा उसे भी। सो ये दो काम से जा रहा हूँ मैं लास्ट नगर ऑफिस। सो बाकी सब बढ़िया है, एंड मैंने मॉर्निंग टी पी ली है, आई होप आपने मॉर्निंग टी पी ली होगी फ्रेंड्स। सो बाकी और ब्रेकफास्ट भी आपने कर लिया होगा, जैसे आप जानते हैं मेरा ये कल आज सैटरडे है, कल मेरा लास्ट फास्ट है, तो कल के बाद मतलब बिल्कुल फ्री हूँ मैं, फिर आराम से मैं ब्रेकफास्ट करके आराम से सुबह फील्ड में निकल लूँगा, क्योंकि अभी मैं फील्ड में भी मतलब जॉब मतलब जॉब बिजनेस में भी फील्ड में जाके प्लान करना है मैं कर नहीं आता क्योंकि ये फास्टिंग की वजह से ही, इसलिए मैं बाहर निकलूँगा। सो बाकी सब बढ़िया है, एंड मैं कैसे कहूँ बोल नया बार कमेंट में बोलना मैं कैसे लग रहा हूँ। देखो ये हमारे बेस्ट चीज़ की ड्रेस है, एक तो येल्लो वाली मैं आपको दिखाई जब मैं पहनता हूँ मोस्टली येल्लो वाली, एंड एक ये है पिंक वाली है। ओके फ्रेंड्स, सो बाकी आई होप सब बढ़िया होंगे, आप सबको रात को अच्छे से नींद आई होगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, जहाँ भी मिलेंगे चाहे ऑफिस में या कहीं भी हो, टिल देन अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बी हैप्पी और सबको खुश रखना। सो विद गेट हाई फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। ये आप देख सकते हो जैसे मैं वेस्टर्न ड्रेस में हूँ, स्किनी पहनी है मैंने जो कि धूप के लिए होती है बेसिकली, एंड अभी मौसम तो ऐसा धूप आ रखा है, आप देख सकते हो आपको धूप दिख रही होगी, एंड आप देख लो एक बार, तो मौसम ऐसा धूप आ रखा है, तो मैंने स्किनी पहन रखी है, टैटू नहीं है, ये कोई टैटू मत समझना क्योंकि बहुत लोग समझ चुके हैं टैटू नहीं है स्किनी होती है, तो स्किन में ये हमारे यहाँ तक आ जाती है, एंड ऊपर से कुछ भी शर्ट पहन लो। तो फ्रेंड्स मैं अभी जब ऑफिस जैसे मैं कहता था लास्ट में ऑफिस, मैं पूरा तैयार हो गया हूँ, मैं घर से निकलने वाला हूँ, एंड आप एक बार बताइएगा जरूर कि मैं कैसे लग रहा हूँ ये अब देखो ऑफ लिखेगा, तो बताइएगा जरूर कि मैं कैसे लग रहा हूँ। एंड मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, वहाँ से क्योंकि पैदल जाना है तो 15-20 मिनट का रास्ता है, सो मतलब दो किलोमीटर के नियर बाय है, एंड मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, तो मिलते हैं वहाँ पे ऑफिस में जब भी मिलेंगे। सो टिल देन अपना ध्यान रखना, टेक केयर योर सेल्फ, सब गेट हाई पे मिलते हैं ऑफिस में। आप देख सकते हो अभी सर्किट जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ, आप देख सकते हो यहाँ का मेन रोड है, यहाँ का देख लो उस है ना जो आगे सिग्नल दिख रहा है इसके हाँ, यहाँ से आगे जाओगे तो ये अपना पड़ जाता है मेन रोड, तो यहाँ से आगे निकलोगे तो मास्क पहनना पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले बार ब्लॉग बना लूँ क्योंकि फिर साउंड का इशू होता है, एंड ये मतलब हमारी पूरी एरिया आता है जो यहाँ पे रहते हैं, और श्रीनिवासपुरी नाम है एरिया का श्रीनिवासपुरी, तो ये है तो श्रीनिवासपुरी का जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट श्रीनिवासपुरी का, इसके बाद हमें मास्क पहनना कंपलसरी हो जाता है। सो अब हम मिलते हैं सीधा ऑफिस में, ऑफिस के बाद यहाँ देख सकते हैं आस पास का एरिया, यहाँ का मार्केट एरिया है। सो बाकी अब मिलते हैं ऑफिस में, ऑफिस के बाद फिर मैंने अपना ध्यान रखना, टेक केयर सर, ये टाइप से मिलते हैं ऑफिस में। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन, आपको आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो अभी मैं घूम रहा हूँ लाजपत नगर में, तो यहाँ का लाजपत नगर मार्केट है आपका, जो कि लाजपत नगर एक न्यू दिल्ली का बहुत डिमांडिंग एंड महंगा एरिया है लाजपत नगर है, तो मैं ऑफिस साइड से जा रहा हूँ, ऑफिस भी मैं लाजपत नगर में, तो आप देख सकते हो ये पूरी इसके आसपास पूरी शॉप है, एंड इसलिए मैं बात करूँ क्योंकि देखो मैं चल रहा हूँ अभी बीच सड़क से, तो आप देख सकते हो पूरे आसपास पूरी मार्केट एरिया है, एंड आसपास से जाम है क्योंकि अभी चले त्यौहार टाइम, तो त्यौहार टाइम में थोड़ा सा जाम रहता है लाजपत नगर, मैंने आपको एक बार दिखाई भी था अपने व्लॉग में लाजपत नगर की मार्केट में भीड़, क्योंकि अभी चले फेस्टिवल टाइम तो इस टाइम भीड़ होती है थोड़ी बहुत, तो आप देख सकते हो साइड में आ गया, एंड ये आपका पूरा आपका मार्केट है पूरा ही, और जितने फ्रेंड पार्क है ठीक है फ्रेंड्स। सो जब हम ऑफिस जाते हैं पैदल चलते टाइम तो मार्केट के बीच में से हम निकलते हैं, एंड मैं आपको भी दिखाऊंगा मार्केट का जो एंट्रेंस में आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा चलने का सकता होगा क्योंकि मैं चल के जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोला कि यहाँ पे भीड़ है अभी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए तो
क्योंकि यहाँ से हमारा ऑफिस अभी थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा ऑफिस के लिए, तो आप देख सकते हो ये पूरा मार्केट एरिया पूरा ये, एंड मार्केट के बीच में हमें चलना पड़ता है। हमें अभी आपके यहाँ से मार्केट का मेन स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो देख पाएगा आपका मार्केट है पूरी। बाकी चलो ऐसा कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी मैं फिर दिखाऊँगा ऑफिस जाके लाजपत नगर। टिल देन अपना ध्यान रखना, विद गेट हाई फाई। हेलो फ्रेंड्स, ये योगेश शरीफ बैक अगेन। जब देख सकते हो अभी हम ऑफिस में बैठे हैं एंड ये पीछे पड़े हैं प्यूरीफायर के बॉक्सेस, ये पड़े हैं पानी का जो होता है प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर के बॉक्सेस, एंड ये अपना ऑफिस है। आज अपनी तो फिर जगह मिली है बैठने की, तो सब बैठा हूँ आज, तो फ़ोन बंद कर रहा हूँ टीम को। आए पास सब बढ़िया होंगे एंड आपका भी टाइम हो चुका है, एक बजे के आसपास हो चुका है आई थिंक नियर बाई। सो मैं तो फिर अभी ऑफिस में बैठूँगा एंड दोस्तों के साथ वेट हो रहा है, तो दोस्तों के साथ ऐसा बैठ के उसके साथ प्लान करके फिर घर निकलेंगे वापस। सो आप अपना ध्यान रखना, लंच कर लेना अच्छे से। सो मिलते हैं कुछ देर बाद, डेट डेट है पर मिलते हैं कोई देर। हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन। अभी हम ऑफिस में देख सकते हो ये है जिसे आप जानते हैं ना, मैं तो मेरा दोस्त आ रहा है, ये है भाई दोस्त भाई, इसे जानते हो। हाँ, इसका नाम है जसवंत। हाँ जसवंत नाम है। तो उसे कुछ समझाना था, थोड़ी सी भीड़ है तो इतना पर्पज समझा भी नहीं पाएंगे। एंड तो अपना ऑफिस है एंड ये हम पीछे बैठे हुए थे, अभी अभी उठ के आए हैं, अभी घर जा रहे हैं, अभी घर जाके आराम से पूरा ठीक से समझाएंगे। सो घर पे मिलते हैं और लिस्ट बनवाएंगे, है लिस्ट बनाएंगे भाई से, है ना। चलो तो मिलते हैं घर पे गेट हाई पे। सो हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन एंड अभी हम रास्ते में हैं घर जाते हुए पैदल रास्ते नगर से। आप देख सकते हो यहाँ से पैदल जा रहे हैं, ये सेट मेन रोड है सब देख सकते हो, एंड हम पैदल जा रहे हैं थोड़ा सा क्या, हमें तो आ रहा है चलने की, मेरे तो है इसका मैं नहीं बता सकता, मेरे को भी है, हमें चलने की आ रहा है। इसलिए वैसे गैप ज़्यादा भी नहीं है, वहाँ से घर से 2 किलोमीटर दूर है खाली, तो फालतू क्या फ़ायदा स्कूटी गाड़ी में पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल तो महंगा है, वैसे भी पैदल चलो हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड मज़ा भी आएगा। सो फ्रेंड्स आए पास बढ़िया होंगे, आपने लंच कर लिया होगा, लंच कर लेना अच्छे से क्योंकि टाइम हो चुका है लंच करने का। सो अब तक घर पे मिलते हैं, फिर लेना अपना ध्यान रखना, आप देख सकते हो अभी पैदल जा रहे हैं। सो फिर घर पे मिलते हैं, गेट हाई फाई, सी यू एट होम। सो हेलो फ्रेंड्स, हैं बैक अगेन एंड आ चुका हूँ, मैं घर आ चुका हूँ मैं, एंड बाकी घर में आके मैंने लंच वंच कर लिया है एंड तो सर मैं लेटर था फ्रेश होके, एंड बाकी सब बढ़िया है, बिंदास है, जगह है, शानदार है। सो आई होप आपने भी अच्छे से कर लिया होगा, एंड मैं तो ऐसे ऐसे लेट होता, आपका अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, अभी अभी 4 बजे दोपहर के, मैं ऐसे लेट हूँ थोड़ा सा ऐसे में, एंड बाकी आई होप सब आप सब बढ़िया बिंदास एंड चकास होंगे। तो फ्रेंड्स बाकी तो ऐसे कोई बात रखने वाली नहीं है, बट आजकल मार्केट का बहुत बुरा हाल है। मार्केट में लास्ट में मार्केट है जब जिस तरह से आते, मैं को दिखाई थी लास्ट में मार्केट पूरी भरी पड़ी है, पूरी मार्केट जगह नहीं है पैकने के लिए, तो हम बाहर बासे करके आए हैं। तो वही है ना, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है ना, तो दिवाली के टाइम में मार्केट में भीड़ हो जाती है। सो बाकी हम घर आ चुके हैं, अब सीधा घर आके तो फिर मैं रेस्ट करूँगा, अभी खाना खा लिया तो फिर मैं रेस्ट करूँगा, फिर शाम को देखते हैं पार्क जाऊँगा, एक्चुअली जाऊँगा जल्दी, क्योंकि पहले मैं जाता 6 बजे, लेकिन अभी क्योंकि ठंड की स्टार्टिंग हो गई है, ठंड की स्टार्टिंग में आपका बेसिकली आपका अंधेरा 6 बजे जाता है, लेकिन जब ठंड नहीं होती तो अंधेरा होता है 7-8 बजे के बाद ही होता है, बट अभी ठंड है तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए आज से सोचा कि 5 बजे जाऊँ पार्क में, तो वो अच्छी टाइमिंग है थोड़ी सी। तो बाकी तो सब बढ़िया बिंदास है, सब मिलते हैं शाम को पार्क में या दोपहर को चाय के टाइम, जब भी मिलते हैं मिलेंगे ज़रूर, गेट हाई फाई मिलते हैं इसके बाद। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन एंड आज पार्क जाके थोड़ा सा रनिंग जॉगिंग करके आया था, ऐसे थी नहीं ऐसे क्योंकि मैं आज जो ऑफिस भी गया था मैं पैदल गया था, लेकिन तब भी अच्छा चला गया उस टाइम में था, क्योंकि पार्क में बच्चे अच्छे खेलने आते हैं, वो भी थोड़ा सा मुझे मिस करते हैं बहुत, क्योंकि ऐसा खेल चला गया था एंड उनके साथ थोड़ा सा घूम के खेल कूद के एंड वापस आ चुका हूँ।
एंड आपका अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। सो अभी फिलहाल ऐसा कोई प्लान तो है नहीं, अभी मैं सारे ऐसे ऐसे बैठा हुआ था, सोचा आपसे एक बार मिल लिया जाए। सो फ्रेंड्स, बाकी मुझे ये कहना है आपसे कि आज मैं जब वहाँ पे ऑफिस गया था तो मैंने देखा कि जैसे मार्केट एरिया में इतनी भीड़ रखी है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अभी भी कोविड कोरोना अभी भी है। तो देखो, ये पता है फेस्टिवल टाइम है तो लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोशिश करो कि मोस्टली जहाँ पे मतलब जो मार्केट में भीड़ ना हो या जहाँ पे भीड़ नॉर्मल हो वहाँ पे जाओ, क्योंकि जहाँ पे ना बहुत सारी भीड़ है तो वहाँ पे क्या कर जाए कि फालतू में करो के दिक्कत हो जाए कोविड की या ऐसे कुछ इशू दिक्कत हो जाए, आपको क्या फ़ायदा है इसका। तो कोई बात नहीं, चलो देखो त्यौहार टाइम में समझ सकता हूँ मैं कि चलो बाहर जाना ही है मार्केट में, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रख के। और बल्कि मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग मार्केट में मास्क को नीचे करके घूम रहे हैं, तो ऐसे तो एक कोरोना फैलेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए मास्क को, अगर मार्केट में जा भी रहे हो तो मास्क को पूरा नाक तक ढक के जाओ। सो बस यही बोलना था, एंड बाकी आखिर में बहुत अच्छा अच्छा गया दिन बड़ा एंड पाक सकते बैठा हुआ था, एंड बाकी आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब मिलते हैं सीधा डिनर, या डिनर के बाद जब भी मिलेंगे, तो टिले अपना ध्यान रखना, टेक केयर योरसेल्फ विद ग्रेट हाई फाई। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन, मैं ब्लॉग आई शेयर एंड हमने डिनर कर लिया है, आई होप आपने डिनर कर लिया होगा। एंड बाकी अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाए पिए, पानी पिए, एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड मैं ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पापा भी थोड़ा सा घूम रहे हैं हमारे घर के अंदर, सोची है ना घर से मैं लंबाई में घर हमारा, जैसे आपने ट्रेन देखा, ट्रेन का होता है, ट्रेन लंबाई में होती है, हमारे ट्रेन कैसे मगर लंबाई में है, और चौड़ाई कम है कि लंबाई में है घर ना हमारे। तो वही पापा तो सब घूम रहे हैं एंड बाकी सब भी अपने अपने काम में बिजी हैं, बहन है मम्मी। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आपने सब डिनर कर लिया होगा, नहीं क्या तो बिल्कुल कर लेना, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है, एंड कोशिश करना कि 10:30 से पहले डिनर कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम होता है डिनर करने का। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपसे इससे पहले पार्ट बात शेयर की थी कि जैसे कि अभी त्यौहार टाइम चल रहा है, लोग अभी भी मतलब मार्केट में बिना मास्क के घूम रहे हैं, बट देखो ये गलत है, क्योंकि बात बताऊँ क्या है, देखो बेशक कोविड के केसेस नहीं है, बहुत कम हो गए, पर फिर भी केसेस हैं। सो फ्रेंड्स देखो, बात क्या है कि अभी ये एक तरह से कोविड हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, तो इसमें हमें बेसिकली कुछ टाइम तक तो हमें मतलब सबसे हम तक गैप बनाना, डिस्टेंस बनाना, एंड जहाँ पे भीड़ भाड़ हो वहाँ पर ना जाना करना पड़ेगा। बट लेकिन लोगों को ये है कि त्यौहार टाइम में बाहर निकल गए, जैसे मैंने अभी खुद देखा, मैं जब अभी गया था लास्ट नगर मीटिंग में, तो वहाँ से आते टाइम भी जाते टाइम भी मार्केट में बहुत भीड़ थी, एंड चलो भीड़ है, मास्क पहने तब भी सेफ है, लेकिन देखो ना कोई मास्क पहने, इतने पास से निकल रहे हैं, उनकी टचिंग से हमें लग रही है, उनके हाथ पैर लग रहे हैं, तो ये सब खतरा है एक तरह से, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि जो त्यौहार टाइम है, मैं मना नहीं कर रहा शॉपिंग में जाओ, लेकिन कोई ऐसी जगह जाओ शॉपिंग में जहाँ पे भीड़ कम हो, तो आपके लिए बेटर होगा। ओके सो बाकी हाँ, ये इस बात का करके ध्यान रखना, क्योंकि देखो अभी के टाइम है ना, ये खासकर एक बीमारी फैलने से जो है डेंगू, तो कोशिश करना कि उसके लिए जो बाहर के जाता है तो स्लीव, जैसे मैंने आज हाथ में स्लीव पहनी थी, स्लीव पहनो, एंड क्रीम आती है हाथ में लगाने वाली, ओडोमोस लगाओ। लेकिन ना क्योंकि मैंने भी कैसे मैं कंफर्म किया है, वो भी मतलब मेरी फ्रेंड है, वो भी नर्स है, तो उन्होंने बोला कि डेंगू बेसिकली आपको 6 बजे से पहले पहले एंड सुबह से 6 बजे पहले पहले आपको काटते हैं, तो जब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद हम घर में आ जाते हैं, उसके बाद हम बाहर भी जाए तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन उससे पहले जब हम बाहर होते हैं 6 बजे पहले, तो उस टाइम आपको खतरा है, तो अपना ध्यान रखिए। ओके सो बाकी हम मिलते हैं आपके पास, सोने से पहले मिलेंगे आप सबसे, टिल देन अपना ध्यान रखना एंड बात का ध्यान देना। मैं को आज आखिर मैं को 2 बात बोली है, पहली बात त्यौहार का टाइम है समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी सेफ्टी रखो, मास्क पहन के बाहर निकलो एंड अपना ध्यान रखो। दूसरी बात, डेंगू फैल रहा है तो अपनी स्किनी, जैसे स्किनी कपड़ा जैसे मैंने आपको दिखाया था वीडियो में से पहले पार्ट में, वो पहनो या फिर ओडोमोस लगाओ। तो मैं आज का वीडियो का कंटेंट भी यही होगा बेसिकली, जो आप देखोगे, तो अपना ध्यान रखो। ओके सो मिलते हैं आपको सोने से पहले, सो विद गेट हाई फाई, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन, योर ब्लॉगर शेरी। आप देख सकते हो अभी मैं लेटा हूँ बेड में, आप देख सकते हो, एंड आपका अभी टाइम आपका हो रहा है अभी 12 बज चुके हैं,
एंड सब सोने के लिए जा चुके हैं, ये आप देख सकते हो पीछे की लाइट भी ऑन हो गई एंड ये रहा सब जा चुके सोने के लिए। मैं देखा हूँ कपिल शर्मा शो, जैसे सोचा था बोल तो सोचा था देख ले कपिल शर्मा शो। एंड बाकी आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आप सब ने अच्छे से डिनर कर लिया होगा। अब सीधा कल मिलते हैं, तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मैं आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आपको करने रिवाज पूरे लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड अगर चैनल में हो नए तो करना को चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल एक बढ़िया से व्लॉग के साथ, टिल देन अपना ध्यान रखना, टेक केयर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी, सबको खुश रहो एंड खुद भी खुश रहो। सो कल मिलते हैं, K-Hi-Fi कल मिलते हैं।